नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सूरज राजटेक ऑफिशियल YouTube पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से प्यार भरा रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है किसी तरह के अपडेट मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूँ वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं मोदी सरकार की तरफ से जो राशन कार्ड धारियों के लिए ऐलान किया गया। दोस्तों, जो राशन कार्ड का डेट बढ़ा दिया गया है लिंक आधार से लिंक करने का, उसके विषय में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों दोस्तों खबर यह निकल के आ रही है, अभी का जो अपडेट यह है दोस्तों कि मोदी सरकार के जो खाद्य मंत्रालय है उनके तरफ से यह खबर निकल के आई, अपडेट निकल के आई दोस्तों कि उन्होंने जो राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाने का डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको बढ़ा दिया है दोस्तों, उसको बढ़ा करके 30 सितंबर तक कर दिया है। दोस्तों, यह फैसला इसलिए लिया गया है दोस्तों ताकि जो भी कोरोना के लॉकडाउन और महामारी के बीच फंसे हुए हैं और परेशानी झेल रहे हैं उसके वजह से यह फैसला लिया गया है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि अभी इस समय में आधार करीब करीब करोड़ों लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अभी तक आधार लिंक नहीं करवा पाए हैं अपने राशन कार्ड से, और जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए भी यह है कि दोस्तों कई लोग ऐसे प्रवासी हैं जो प्रदेश में काम करते हैं, अपने जो गांव है अपने जो शहर उसको छोड़ के दूसरे राज्य में काम करते हैं, उनके लिए भी यह बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि वैसे लोग तो सोचते हैं दोस्तों कि जो ऑफ सीज़न होता है शादी ब्याह का सीज़न होता है या गर्मी की छुट्टी होती है तो घर जाएंगे तो आधार लिंक करवा लेंगे अपने राशन कार्ड से, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और यह जो फैसला है किसी राज्य सरकार ने नहीं लिया है दोस्तों, यह फैसला हमारे मोदी सरकार केंद्र सरकार ने लिया है दोस्तों और उनके खाद्य मंत्रालय से यह न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि करोड़ों लोगों ने अभी तक राशन कार्ड को बार बार कहने के बाद भी सरकार के केंद्र सरकार के राज्य सरकार के कहने के बाद भी बार बार कहने के बाद भी दोस्तों उन्होंने अपना आधार राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, इसीलिए दोस्तों सरकार ने यह फैसला लिया है कोरोना लॉकडाउन को लेकर और भी बहुत सारे जो परेशानियां हो रही है दोस्तों इनको लेकर, जो इसका आधार कार्ड को लिंक करवाने का जो प्रोसेस था जो लास्ट मई तक था दोस्तों, और उसके बाद जो 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड का जो प्रक्रिया शुरू होने वाला था वो शुरू होगा दोस्तों, लेकिन तब भी जो इसका डेट है आधार कार्ड से लिंक करने का वो 30 सितंबर तक कर दिया गया। बता दें आप सभी को दोस्तों कि इस प्रक्रिया में आप सभी को जाके अपने जो राशन कार्ड डीलर हैं उनके पास फोटोकॉपी जमा करना पड़ेगा आधार का दोस्तों, और आपको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, वहाँ पे स्कैन किया जाएगा आपका फिंगरप्रिंट और उसके बाद सीडिंग का प्रोसेस पूरा होगा दोस्तों। और इसमें आपको मोबाइल नंबर दोस्तों आप पहले से दे रखे हैं आप तो ठीक है, नहीं दे रखे हैं तो आप वो अपना जो मोबाइल नंबर है उसको देना पड़ेगा दोस्तों, और आपके मोबाइल नंबर पर कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ आप सभी को कि जो यह लॉकडाउन है इसमें जो सभी काम ठप है दोस्तों, चाहे किसी भी तरीके का काम हो दोस्तों अभी सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, इसलिए आधार कार्ड को अपने राशन कार्ड से लिंक करवाने में भी बहुत परेशानी आ रही है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन में किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसके देखते हुए भी जो हमारे सरकार है उन्होंने यह फैसला लिया है दोस्तों। और आप सभी को मैं बता दूँ खाद्य मंत्रालय के मुताबिक जब तक खाद्य मंत्रालय सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जब तक सूचना जारी करके नहीं बताता है आधिकारिक तौर पे, तब तक उनको किसी भी राशन कार्डधारी को आधार कार्ड जो लिंक है या फिर जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है उनको आधार कार्ड लिंक करने से मना नहीं कर सकते हैं, और जिनका आधार कार्ड लिंक है उनको राशन कार्ड देने से मना नहीं कर सकते हैं, और जिनका लिंक नहीं है दोस्तों उनका राशन कार्ड रद्द नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जब तक खाद्य मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया जाए दोस्तों। अगर ऐसा किया जाता है तो यह गलत है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में मेरे तरफ से इतना ही था अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।